कर्नाटक में हुए मंत्रिमंडल विस्तार में बीएसपी के एन महेश मंत्री बने हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर बीएसपी के लिए ये पहला मौका है जब किसी अन्य स्टेट में बीएसपी सत्ता में शामिल हुई है। कर्नाटक में जेडीएस और बीएसपी ने अलायंस करके चुनाव लड़ा था, जिसके कारण बीएसपी का एक तथा जेडीएस के 37 विधायक चुनकर आए थे। किसी को भी बहुमत न मिलने के कारण कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद का ऑफर किया। कुमार स्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने तो कांग्रेस के जी परमेश्वर उप मुख्यमंत्री, जिसके बाद जेडीएस ने अपना वादा निभाते हुए बीएसपी को मंत्री पद ऑफर दिया। कर्नाटक के बीएसपी के मंत्री एन महेश ने बुद्ध, बसवेश्वर और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर मंत्री पद की शपथ ली और अंत में जय भीम जय भारत कहा। बीएसपी का दक्षिण भारत में पहली बार कोई मंत्री बना है। जेडीएस चाहती है कि बीएसपी और जेडीएस गठबंधन और भी मजबूत बने तथा आने वाले लोकसभा इलेक्शन में इसका फायदा दोनों को मिले। एन महेश शुरू से ही बीएसपी के कद्दावर, कर्मठ तथा जुझारू कार्यकर्ता रहे हैं। वो बीएसपी से जमीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। बीएसपी में अपनी वफादारी के कारण उन्हें आज भी मंत्री पद का मौका ये मिला है, इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती का उन्होंने आभार व्यक्त किया है और माननीय कांशीराम साहब के तालीम में एन महेश तैयार हुए थे। बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी, देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।